हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा, आपका यूट्यूब फ्रेंड। फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए, मैं काफ़ी दिन से कोई आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया हूँ। आज मेरे पास कुछ बुक्स नई आई हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ इसके ऊपर फिर से आपको एक वीडियो बना पाऊँ। हालाँकि इस तरीके का वीडियो एक बार मैं ऑलरेडी बनाया है आपके पास, आपके लिए। तो अब मैं फिर से एक कोशिश करता हूँ कि ये फिर से एक स्टेप, जो नई बुक्स आती हैं तो आपको स्टेप बाई स्टेप क्या करना होता है बुक प्रोसेसिंग में, उससे रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास कुछ बुक्स हैं, कुछ ये हैं, कुछ मेरे यहाँ सामने रखी हुई हैं बुक्स हैं, तो इनको मैं एंट्री करूँगा अपने लाइब्रेरी में। तो सबसे पहले कई चीज़ें हमें क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आप देखिए ये इनवॉइस जो बिल आया है, बिल से आप इन बुक्स की जो प्राइस है जनरली पीछे होती है। जनरली जैसे इस बुक में यहाँ पर है, आपको प्राइस चेक करनी है, ये प्राइस इसमें जो बिल ने इसमें दिखा हुआ है वो प्राइस है कि नहीं। दूसरा क्या चेक करना है, ये आपका अप्रूवल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके यहाँ डायरेक्टर ने दिया होगा, हो सकता है अगर आप स्कूल में हैं तो आपके प्रिंसिपल ने अप्रूवल लिखा, अप्रूव किया हो बुक्स की। अब जैसे मेरे इसमें आप देख पाएंगे करीब ये 6 बुक्स हैं, इसमें 6 टाइटल्स हैं, तो इसमें से ये 3 टाइटल्स कॉपी मेरे पास आ चुकी हैं। तो मैं इससे मैच करूँगा कि इसमें जो अप्रूवल में जो टाइटल लिखा है वही बुक्स एग्जैक्टली है कि नहीं। कभी कभी जो वेंडर्स होते हैं या शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करेंगे कि मिलता जुलता टाइटल की कोई बुक होगी वो आपको भेज देंगे। उसमें कभी कभी ऑथर चेंज होता है, कभी कभी पब्लिशर चेंज होता है, तो आपको बुक को और अप्रूवल की लिस्ट से मैच करना है कि सेम ऑथर है कि नहीं, सेम टाइटल है कि नहीं, और पब्लिशर भी सेम है कि नहीं। क्योंकि स्कूल लेवल पर केमिस्ट्री की बुक का मतलब केमिस्ट्री लिखा होगा लेकिन उसके ऑथर भी अलग होंगे, उसके पब्लिकेशन भी अलग होगा, लेकिन टाइटल क्या होगा, केमिस्ट्री। तो इसलिए आपको अपनी अप्रूवल लिस्ट से मैच करते हुए बुक्स को पहले देखना है। तो दो चीज़ हो गई स्टेप में। पहला स्टेप में कि आप बिल से अपना प्राइजिंग चेक करें, जो बिल में इसने बिल लिखा प्राइज लिखा हुआ है शॉपकीपर्स ने, वही बुक पे है कि नहीं। दूसरा, अप्रूवल में जो लिस्ट दी हुई है टीचर्स ने या जो आपने अप्रूवल लिया है प्रिंसिपल से, तो वही सेम बुक उसने भेजी है कि नहीं भेजी है, ठीक है। तो ये तो वेरिफिकेशन का हो गया। अब जब वेरीफाई ओके हो गया, अब आपको इन बुक्स पर प्रोसेसिंग करनी है। तो पहली प्रोसेसिंग करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, मेरे यहाँ स्टिकर्स हैं ऑलरेडी, अगर आप नहीं छपवाए हैं तो आप छपवा लीजिए, नहीं है तो आप सिंपल स्टैम्प का यूज़ करिए। तो मेरे यहाँ ये स्टिकर है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया है कि इस तरीके से छूट जाता है, और इसको मैं जैसे मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ, इस बुक में मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ये टाइटल पेज ये मेन है, देखिए इसे मैंने जस्ट पलटा और इसको यहाँ लगा दिया। इस पर हम क्या करेंगे, इस पर क्लास नंबर, एक्सेस नंबर और सब लिखेंगे। इसमें इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है और लाइब्रेरी का नाम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप पहले ये करेंगे, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, आप वेट कीजिए एक मिनट। ये हमारे पास एक स्टैम्प है, ये स्टैम्प ऑलरेडी देखिए यहाँ स्टैम्प हमने बनवा रखी है। ये स्टैम्प आपको लेनी है और मेन जो टाइटल पेज है ये आप देखेंगे, इस पर आपको स्टैम्प लगाना है लाइक दिस, ठीक है। एक आपको जैसे आपने लिया, एक आपने उसको बॉक्स में लगा दी, स्टैम्पिंग हो गई, ठीक है। आप बीच का जो 100 पेज है, ये आपने जो भी सीक्रेट पेज बनाया हुआ है, 50 है 75 है 100 है 150, जो भी आपने सीक्रेट पेज बनाया उस पर भी आप स्टैम्प करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको उसको क्लास नंबर लिखना है अगर आप बनाते हैं, अगर नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक्सेस नंबर लिखिए। रजिस्टर में अपनी एंट्री करिए, एक्सेस रजिस्टर में, हम एक्सेस रजिस्टर यूज़ नहीं करते, हम लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, डायरेक्ट हम इसको लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं, ठीक है। आपके यहाँ एक्सेस रजिस्टर चलता है तो आप एक्सेस रजिस्टर की इसमें एंट्री करिए, बुक को चढ़ाते आइए, उस पर नंबर डाल दीजिए और बुक की एंट्री करिए, और बिल के हिसाब से उसका अमाउंट लिखिए, क्लास नंबर फॉलो करते हो तो क्लास नंबर लिखिए, ठीक है। इतना सब होने के बाद आप जैसे मान के चलिए आपके पास 10 बुक आई, तो 10 बुक को आप रजिस्टर में एंट्री कर दी, उस रजिस्टर को प्लस अप्रूवल को इनवॉइस को लेके प्रिंसिपल के पास जाएं, प्रिंसिपल उस 10 बुक को ड्रैग करके अपना उसको साइन करेंगे कि बुक्स आई हैं। ये एक ऑथेंटिक प्रोसेस है। अगर कोई प्रिंसिपल आपके मना करते हैं कि नहीं मैं ऐसा ज़रूरी नहीं है इसको साइन करने का, तो आप रहने दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक प्रोसेस यही होता है कि बुक्स आने के बाद, एंट्री होने के बाद
आप एक्सचेंज रजिस्टर पे प्रिंसिपल से वेरीफाइड सिग्नेचर कराएं, उस पर जनरली करते हैं। तो ये कोई भी नई बुक्स आने का प्रोसेस है, जब आपके पास नई बुक्स लाइब्रेरी में आ जाती हैं और आपको एंट्री किस तरीके से करनी है। ये मेरा वीडियो सेकंड है, इसी टाइप से मैंने ऑलरेडी भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन ये दोबारा से इसलिए बनाया, कई लोगों की अभी भी रिक्वेस्ट आई कि सही नई बुक्स से रिलेटेड हमें बताइए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।